लंच बॉक्स में बात अब ऐसी डिश की जो अपने लजीज स्वाद की वजह से जल्द ही लोगों के दिल में जगह बना लेती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही मुकाम हासिल किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, तभी तो उनकी तुलना तीनों खानों से होने लगी है। क्या सलमान से बेहतर एक्टिंग करते हैं नवाजुद्दीन? अच्छा जब आई गए हो। शाहरुख पर भारी है नवाजुद्दीन की अदाकारी। करते क्या हो? अरे ए मारो इसको। क्या आमिर को भी देते हैं पूरी टक्कर? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आजकल नवाजुद्दीन और तीनों खान को लेकर पूछे जा रहे हैं। नवाजुद्दीन ने अपनी इसी दमदार अदाकारी के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना ली है। जरूरत पड़ने पर दिल निकाल के रख देते हैं तो फिर किडनी क्या चीज है? ये उनके हुनर का ही कमाल है कि कुछ लोग तो उनकी एक्टिंग की तुलना हिंदी सिनेमा पर दशकों से राज कर रही खान तिकड़ी यानी सलमान, आमिर और शाहरुख से तक करने लगे हैं। ऐसा ही कुछ वाक्या उस वक्त सामने आया जब अरबाज खान ने अपने चैट शो में नवाजुद्दीन के फैंस का हवाला देते हुए उनसे एक सवाल पूछ लिया। अरबाज ने सोशल मीडिया का एक कमेंट पढ़ा जिसमें कहा गया था कि नवाजुद्दीन ने सभी खान को पीछे छोड़ दिया है। इस सवाल को सुनने के बाद नवाजुद्दीन ने जवाब दिया कि भाई मुझे काम कर लेने दो। नवाजुद्दीन के जवाब से साफ है कि वो तीनों खान से किसी तरह का कोई पंगा नहीं चाहते। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री में जो जगह अपने लिए बनाई है उसे किसी भी तरह की दुश्मनी में पड़कर गंवाना नहीं चाहते। सिद्दीकी हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा एक्टर में शुमार है जिन्होंने संघर्ष और टैलेंट के बूते कामयाबी हासिल की। पिछले साल जब सलमान की रेस 3, आमिर की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और शाहरुख की 0 के नाकाम होने पर खान तिकड़ी पर सवाल उठने लगे थे, तो नवाजुद्दीन ने पूर्व शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे पर बनी फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। तभी तो खुद सलमान भी कई मौकों पर नवाजुद्दीन को वन टेक वाला एक्टर बताकर उनकी खुलकर तारीफ कर चुके हैं। वही फिल्म रईस में नवाजुद्दीन के साथ काम कर चुके शाहरुख भी उनकी एक्टिंग के कायल हो गए। अरे उसमें कुछ नहीं है, पानी है बस। हाँ तो क्या हुआ, पानी पीना है मुझे। नवाजुद्दीन से कोई भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं। तुम्हारे नाम तैमूर है ना? यही नहीं, आमिर के साथ फिल्म तलाश में भी एक लंगड़े के किरदार में नवाजुद्दीन की एक्टिंग को लोगों ने काफी सराहा था।